हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए अप्लाइड एंटर स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इसे वीडियो अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है उसमें। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सारी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फिर तक वीडियो को शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल घरेलू उत्पाद की गणना की करने की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? फिनिशिंग कॉस्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड जो है वो जीडीपी की गणना करने का मेथड नहीं है। जीडीपी क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही जीडीपी शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर जिसको मेथड नहीं है उसको कैलकुलेट करने का, वो हो जाएगी डिमिशिंग कॉस्ट मेथड। बाकी इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों ही होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो इनकम मेथड होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? डब्ल्यू प्लस आई एन टी प्लस पी प्लस आर प्लस डिप्रिसिएशन। डब्ल्यू हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आई एन टी हो जाएगा इंटरेस्ट, पी हो जाता है प्रॉफिट, आर से हो जाता है रेंट, और डिप्रिसिएशन ये हो जाता है इनकम मेथड। और जो इसका एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें क्या चीज कैलकुलेट होती है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट ई माइनस एन। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होती है। सी फॉर्म हो जाता है जो कंजम्पशन होता है, यानी कि जो भी कंज्यूम किया जा रहा है उसे लेते हैं। आई फॉर्म हो जाता है इन्वेस्टमेंट, जी फॉर्म हो जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ई फॉर्म हो जाता है एक्सपोर्ट, एन फॉर्म हो जाता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को लेस कर दिया जाता है। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का। आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन सी संस्था करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि शॉर्ट में भी उसे क्या कहते हैं। तो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो भी आप ध्यान में रखिएगा कि फुल फॉर्म क्या होती है उसकी। यहाँ पर जो पूछ रहा है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी होती है उसकी कैलकुलेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? तो केंद्रीय शासकीय कार्यालय, आर्थिक मामलों का विभाग, राशि नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसकी कैलकुलेशन कौन करता है? केंद्रीय शासकीय कार्यालय यानी कि सीएसओ इसकी कैलकुलेशन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी? यहाँ पर आपको बताना है कि जीएनपी है उसमें कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं? एक्सपोर्ट, मनी अर्न बाय रेजिडेंट अब्रॉड, इम्पोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो जीएनपी है उसमें क्या चीजें आती है, तो यहाँ पर उसमें एक्सपोर्ट को भी शामिल किया जाता है, मनी अर्न बाय रेजिडेंट अब्रॉड को भी, इम्पोर्ट को भी। तो तीनों ही चीजों को उसमें निकालने में शामिल किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ जीएनपी के बारे में पूछ रहा है, जीडीपी के बारे में नहीं। जीएनपी जो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से मूल हिराक घटाने के बाद उसका शुद्ध मूल डैश है? द नेट वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम इट इज, यानी कि जब जीडीपी में से हम डिप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो वहां पर क्या निकल करके आता है, जो वैल्यू निकल के आती है उसे क्या कहते हैं? इस तरह से भी समझ सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है तो क्या आता है, तो निकल के आ जाती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास घटाया जाता है तो शुद्ध मूल्य डैश होता है। डिप्रिसिएशन डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द नेट वैल्यू इज डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसने पूछा था सकल घरेलू उत्पाद में से यानी जीडीपी में से लेस करना था। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है जीएनपी होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ पर आपसे जीएनपी पूछ रहा है, कहाँ पर आपसे जीडीपी पूछा है। यहाँ पर कह रहा है कि जब जीएनपी होगा उसमें से डिप्रिसिएशन को हम लेस करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो हमारा निकल के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब सकल घरेलू उत्पाद था यानी कि जीडीपी था उसमें से हमने डिप्रिसिएशन को लेस किया था तो हमारा निकल करके आया था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। और जब हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को लेस किया तो हमारा निकल के आया नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की औसत आय को डैश के रूप में जाना जाता है। द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज नोन एज डैश। रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, नन ऑफ द अबव। किसी देश की औसत आय को या एवरेज इनकम को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वो हो जाता है प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम। जब किसी देश में देखा जाता है कि उसका स्तर क्या है या किस तरह की उसकी कंडीशंस हैं, या ये देखना हो कि जो डेवलपमेंट है या डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पर हम इसकी देखते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देखते हैं कि कितनी है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो ही माना जाता है कि हाँ वो कंट्री भी अच्छी सिचुएशन में या उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है। यहाँ पर किसी देश की जो औसत आय होती है वो हो जाती है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है, उसको मापने की विधि क्या होती है। अभी हमने कहा था जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होती है NNP जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, उसी को ही राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम भी कहते हैं। उसको मापने के मेथड कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये तीनों ही मेथड हो जाते हैं उसको मेजर करने की। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना को डैश कहा जाता है। A calculation of national income at market price is called dash. Non-monetary income, monetary income, real income, none of the above. क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर मार्केट प्राइस पर, तो इसकी ध्यान रखिएगा, कभी भी फैक्ट्री कॉस्ट पर दे रखा होता है, कभी मार्केट प्राइस पर दे रखा होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसका पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे। यहाँ पर कह रहा है कि बाजार मूल्यों पर यानी कि मार्केट प्राइस पर आपको अगर निकालनी है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है, तो उसे क्या कहेंगे हम। गैर मौद्रिक आय, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, इनमें से कोई नहीं, तो उसे कहा जाता है मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को डैश के रूप में जाना जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज डैश। पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम फैक्ट्री कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं, तो वहां पर उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। हू मेजर्ड द फर्स्ट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी, विलियम डिगबोई, प्रोफेसर PC महाब्रो ने। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो नेशनल इनकम है वो पहली बार किसने कैलकुलेट करी थी। पहली बार जो नेशनल इनकम थी वो दादाभाई नौरोजी ने ही कैलकुलेट की थी, गणना की थी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू आय है, नेट डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पर आपको बताना है कि जो नेट डोमेस्टिक इनकम यानी कि शुद्ध घरेलू आय होती है उसे क्या कहते हैं। GDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट फैक्ट्री कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्ट्री कॉस्ट। इन क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा जाता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज ना हो। तो शुद्ध घरेलू आय जो होती है, नेट डोमेस्टिक इनकम जो होती है, उसे क्या कहते हैं, NDP एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम इज डैश, GDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस, NNP एट फैक्ट्री कॉस्ट, GNP एट फैक्ट्री कॉस्ट। वो थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, ध्यान रख दीजिएगा। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय होती है, जब हम जो NNP होती है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब हम फैक्ट्री कॉस्ट से निकालते हैं, तो उसे भी नेशनल इनकम कहा जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, NNP एट फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल और शुद्ध के बीच अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज। डेप्रिसिएशन, NFIA, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सकल उत्पाद और शुद्ध उत्पाद के बीच जो डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है। तो डिफरेंस जो होता है वो डिप्रिसिएशन का होता है। जब हम ग्रॉस प्रोडक्शन में से डिप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, तो वहां पर हमारी नेट प्रोडक्शन निकल आता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निर्यात है, नेट एक्सपोर्ट इज डैश। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, नन ऑफ द अबव। यानी कि जो नेट एक्सपोर्ट होता है उसको पूछा है, तो एक्सपोर्ट में से जब इम्पोर्ट को लेस कर देते हैं यानी कि निर्यात में से हम आयात को जब घटा देते हैं, तो वहां पर हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वर्ष की कीमत पर उत्पादन को कहा जाता है। द आउटपुट एट करेंट प्राइस इज पर। नॉर्मल GDP, रियल GDP, नेशनल GDP, नन ऑफ द अबव। जब चालू वर्ष की कीमत पर उत्पाद को उत्पादन किया जा रहा होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यानी कि जो करंट ईयर के प्राइसेस पर हम जो आउटपुट
कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हो जाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी यानी कि नाम मात्र का जीडीपी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।